सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डेली इन टेक वीडियोस देखने के लिए और साथ ही साथ बेल आइकन का भी दबा देना ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहे। हेलो एवरीवन, दिस इज बच्चन एंड यू वेलकम टू वीएस बच्चन सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से मैं अपने थंबनेल्स बनाता हूं या फिर किस तरह से आप जो एक अच्छे थंबनेल्स आप बना सकते हैं। जो मैं पिक्सआर्ट से थंबनेल बनाता हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को वीडियो पसंद नहीं भी आएगी क्योंकि थोड़ा सा लंबी भी बनेगी और अच्छे से शायद समझा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन क्लियर बात यही है कि मैं थंबनेल जो है पिक्सआर्ट से ही बनाता हूं। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैं थंबनेल कैसे बनाता हूं, तब आप ये वीडियो जो है जरूर देखिएगा। पिक्सआर्ट को ओपन करें, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पिक्सआर्ट का वो वर्जन है जो प्रो वर्जन है, लेकिन फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आप। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं सिंपली यहाँ पे एक फोटो चूज़ कर रहा हूँ जो कि मैंने वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया है। तो सबसे पहले तो आप चेक कर लें फोटो का साइज और उसके बाद थंबनेल के लिए है या नहीं। उसके बाद फोटो का बैकग्राउंड ब्लर करें, उसके लिए आपको ब्लर इफेक्ट में जाना पड़ेगा और फोरग्राउंड जो आपको मेन में रखना है उसको थोड़ा सा क्लियर कर लें ताकि वो जो है फोकस हो और बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा ब्लरी हो जाए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ा सा टाइम लगे सब सीखने में, बट आप ट्राई करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं आप बैकग्राउंड हल्का सा ब्लर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे लाइट इफेक्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप इस तरह से एक दो लाइट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इनकी ऑपेसिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, और जो एक्स्ट्रा है जहाँ पे आपको नहीं चाहिए वहाँ पे आप मिटा भी सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम उसी तरह से। तो यहाँ पे सब करने के बाद मैं एक बार ओके कर देता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ भी मेरे को सेम वही लाइट लगानी है, तो उसको क्लिक करने के बाद यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं दूसरी तरफ लगा के, और जो आपको नहीं चाहिए सेम उसी तरह से आप वहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद ड्रॉ पे जाएंगे, ड्रॉ पे जाने के बाद वाइट कलर सेलेक्ट करना आपको, एक्चुअली ग्रीन ट्राई करता हूँ बट ग्रीन शायद अच्छा नहीं रहेगा तो वाइट ही ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो मेन पिक है उसके साइड से जो है वाइट लाइन लगा देता हूँ ताकि और भी ज़्यादा फोकस हो, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे थंबनेल्स पे इस तरह से लगाया जाता है। तो यहाँ से इस तरह से करके मैं इसको कम्प्लीटली वाइट लाइन से कवर कर लेता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर से जो मुझे लिखना है सबसे मेन बात है वो फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा बड़े अक्षरों में लिखना है क्रिएट बेस्ट थंबनेल्स, तो मैं इतना लिख के उसको टेक्स्ट, ये सब टेक्स्ट आपको नॉर्मल वर्जन में नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको प्रो वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और ऊपर आई बटन पे भी देख सकते हैं आप। तो क्रिएट बेस्ट थंबनेल जैसे कि हम लिखेंगे, उसके बगल से हम शैडो भी देंगे और जो स्ट्रोक भी देंगे। तो शैडो मैं ब्लैक कर देता हूँ और ऑपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, स्ट्रोक जो है जो बॉर्डर लाइन होती है टेक्स्ट की तो उसको भी कलर वाइज कर देता हूँ, जैसे मैं रेड कलर कर रहा हूँ और अंदर से येलो कलर कर देता हूँ। देख सकते हैं थोड़ा सा फोकस हो रहा है टेक्स्ट पे। तो इस तरह के कलर चूज़ करें, इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करें जो कि फोकस हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया क्रिएट नाउ। अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है तो उसके ऊपर से आप कुछ भी इस तरह से लिखेंगे ना, उसको ब्लैक कलर में करने के बाद आपको जो है यहाँ पे ब्लेंड में जाना, और ब्लेंड में जाने के बाद उसके चेंज करेंगे तो आपका जो काफ़ी अच्छा दिखेगा टेक्स्ट। तो हाउ आई क्रिएट माई थंबनेल्स, मुझे ये भी लिखना है तो इसको भी थोड़ा सा फोकस करने के लिए देख सकते हैं, इसको लोग हल्का सा देख सकें, ऐसा मैं करता हूँ ब्लेंड में जा करके ओवरले में हल्का सा जो कि दिखे। उसके बाद मुझे कुछ भी ऐड करना होता है तो मैं सिंपली यहाँ से ऐड फोटो फिर जाके या फिर टेक्स्ट पे जाके जो भी मुझे ऐड करना है इस तरह से ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद मेन बात यह है उसका कलर कम्बिनेशन और उसमें जो है बाकी की जो सेटिंग है, जैसे यहाँ पे स्ट्रोक ब्लेंड और शैडो ऑपेसिटी और टेक्स स्टाइल फॉन्ट, वो सब जो है आपको सेट करना पड़ेगा जिस तरह की आपकी वीडियोस है, जिस तरह का आपका बैकग्राउंड है, उस तरह से आपको जो है कलर चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि मैं जैसे करता हूँ वो आपको पसंद आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहने वाली है। तो सेम इसी तरह से आप भी अपनी वीडियोज़ के लिए अच्छे से थंबनेल बना सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा थंबनेल कम्प्लीटली बन चुका है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आप पिक्सआर्ट से जो ऐसे थंबनेल अपने वीडियोस के लिए बना सकते हैं, और मैंने इस वीडियो में आपको ये भी बताया कि किस तरह से आप लोगों ने क्या क्या ध्यान देना चाहिए थंबनेल पे, क्या क्या मेन चीज़ें हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय नाउ।